नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मुझे आप सभी स्टूडेंट के साथ एक अच्छी खबर शेयर करनी है। MCI ने रूल्स और रेगुलेशंस में कुछ चेंजेस किए थे। कुछ समय पहले मैंने आपके साथ एक नए रूल्स शेयर किया था, जिसमें MCI के रूल्स के हिसाब से यह कहा गया था कि अगर कोई स्टूडेंट 80% से ज़्यादा डिसेबिलिटी हो तो वह मेडिकल एजुकेशन यानी MBBS के कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। अब जो नए बोर्ड्स ऑफ गवर्नर्स आए हैं, उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन में कुछ चेंजेस किए हैं, और क्या चेंजेस किए हैं वह मुझे आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले मेन चेंजेस यह है कि अब अगर आपके पास 80% से भी ज़्यादा डिसेबिलिटी हो तो भी आप एलिजिबल होंगे MBBS के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो चेंजेस जो है वह एक आर्टिकल में दिया गया है। तो चेंजेस में ऐसा लिखा गया है कि अगर आपकी डिसेबिलिटी 90% से भी ज़्यादा हो तो भी आप एलिजिबल होंगे MBBS के कोर्स के लिए, और उसके लिए आपको यहाँ क्या करना है, ऑब्टेन अ फ्रेश डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट टू एवेल द बेनिफिट ऑफ 5% रिजर्वेशन। यानी आप रिजर्वेशन में भाग लेना चाहते हैं तो आपको एक नया डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो MCI के नए बोर्ड्स ऑफ गवर्नर से वह रूल्स एंड रेगुलेशंस में काफ़ी अच्छे चेंजेस कर रहे हैं। तो इतना सा इन्फॉर्मेशन मुझे आप सभी के साथ शेयर करना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो और ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उन्हें दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।